क्या आपका भी सपना है अपने पहले घर का? प्रधानमंत्री आवास योजना की पहला घर लॉटरी अब शुरू हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। नेरल स्टेशन के बिल्कुल पास ग्रीन सिटी में आपको मिल रहा है एक सुकून भरा पहला घर, बस 14.99 लाख में, 2.5 लाख की सीधी PMAY सब्सिडी, जीरो स्टैंप ड्यूटी और मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, जिम, क्लब हाउस, क्रिकेट टर्फ और आपकी इबादत के लिए मस्जिद भी पास में, और एक खूबसूरत वादी और खुला आसमान। अब जिंदगी भर रेंट देने का वक्त चला गया, अब वक्त है अपने पहले घर का। ग्रीन सिटी पहला घर लॉटरी का हिस्सा बने और जीतिए एक ऐसा घर जो बस सपनों में था। तो देर किस बात की, आज ही लॉटरी में अपना नाम लिखवाएं और अपने पहले घर का सफर शुरू करें। विजिट करें pehlaghar.com। संबल की जामा मस्जिद विवाद के आड़ में यतीन नरसिया नंद का मक्का शरीफ को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत मंगलवार 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संबल में वहां की जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा किया गया। हिंदू पक्ष द्वारा अदालत में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की, कोर्ट ने फौरन सर्वे का भी आदेश दिया। ये पहली खबर आपने देखी। अब इससे जुड़ी हुई दूसरी खबर देखिए। अक्सर इस्लाम धर्म, अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अन्य इस्लाम के पिलर सतूनों के खिलाफ अपना जहर उगलने वाले, निंदाजनक, आपत्तिजनक और बिल्कुल भावनाओं को आहत करने वाले बयान देने वाले गाजियाबाद का डासना देवी का यतीन नरसिंहानंद, यतीन नरसिंहानंद ने अभी इस मुद्दे पर एक बयान दिया है कि ये मामला ऐसा 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 जो भी है, मगर इसमें सऊदी अरब के मक्का शरीफ को लेकर, जिसमें दुनिया के अरबों मुस्लिम जो है वहां पर जाते हैं, सबसे बड़ा पवित्र स्थल है मुसलमानों का मक्का शरीफ, हरम शरीफ, खाने काबा यहां पर है, हज यात्रा पर जाते हैं लोग, उमरा के लिए जाते हैं, तो इसी मक्का शरीफ को लेकर के भी एक विवादित बयान दिया है। वो सुनिए यति नरसिंहानंद क्या कह रहा है। और दासना देवी मंदिर में बैठ करके यति नरसिंहानंद अक्सर इस तरह की अनर्गल बातें, आपत्तिजनक, निंदाजनक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान देते रहता है और पुलिस जो है उसे अचानक गायब भी कर देती है, गिरफ्तार भी नहीं करती। कार्रवाई के नाम पर इस्लाम धर्म की बेखकनी करने वाले और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे तमाम लोगों को सरकारी सुरक्षा प्राप्त है। ये लगातार उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, ये सरकारी नीतियों से स्पष्ट भी होता है। भगवान महादेव शिव और जगज्जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचस नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। संभल में मंदिर, हरि मंदिर, हरिहर मंदिर का विवाद जिसको तोड़कर जिहादियों ने मस्जिद बना दी थी, आज वो विवाद उभर आया है और कोर्ट ने इस पूरे परिसर की जांच करने का, सर्वे करने का आदेश दिया है और 29 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। आज बुधवार है, आज है बृहस्पतिवार। मंगलवार देर शाम एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर तक सर्वे किया है। अब जमीयत उलमाए हिंद और उसके अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, अब उन्होंने इस बारे में एक बयान दिया है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर नुकसान होगा। ये मौलाना मदनी ये डकैतों के एक गिरोह को रिप्रेजेंट करता है जिनका काम है हम हिंदुओं को लूटना, मारना और हमें किसी भी तरह से बर्बाद करना। मौलाना, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से सच्चाई का पता चलेगा। तुमने, तुम्हारे बाप दादों ने, अरब के आए हुए लुटेरों ने इस देश के साथ, इस संस्कृति के साथ, संपूर्ण मानवता के साथ क्या किया है ये दुनिया को पता चलेगा। अरे सच्चाई के सामने आने पे तुम्हें कैसा डर है? दुनिया की केवल एकमात्र तुम कौम हो जो सच्चाई को सामने आने से डरते हो। अगर सर्वे अरब की मस्जिदों का भी हो जाए ना, मक्का की मस्जिदों का भी हो जाए, तो उनके नीचे भी कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मठ, कोई ना कोई पूजा स्थल निकलने वाला है। और इन सर्वे के बाद
हमें ये मंदिर मिले ना मिले ये तो भविष्य जाने, भगवान जाने, लेकिन इस्लाम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। तुम तो वक्फ के नाम पे पूरे देश को, हमारे देश को, जहां तुम्हारा एक इंच भूमि पर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए थे, फिर भी तुम वक्फ के नाम पे हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो। और अगर हम सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं तो हमें धमकाना चाहते हो। ये जो तुम्हारी धमकी है, हम हिंदू अब इसे समझ गए हैं, तुम भी समझ लो। अब हिंदू जाग रहा है, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।